नमस्कार एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 6 जनवरी को अयोध्या दौरे पर हैं, जहां जीआईसी के मैदान में वे सांसद लल्लू सिंह के प्रयासों से मिली कई परियोजनाओं की सौगात जनता को देंगे। इन परियोजनाओं के शिलान्यास के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। विशाल जनसभा की तैयारियों को लेकर सांसद लल्लू सिंह ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जीआईसी मैदान के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अयोध्या में 6 जनवरी को 6 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हिंदू आस्था से जुड़ी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर 5 अलग अलग परियोजनाओं का जीआईसी के मैदान में शिलान्यास होगा। वहीं 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का भी नितिन गडकरी जीआईसी के मैदान में ही भूमि पूजन करेंगे। 6 जनवरी को दोपहर बाद लगभग 2:30 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जीआईसी मैदान पहुंचेंगे, जहां पर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के 5 अलग अलग को परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गोसाईगंज से लेकर बीकापुर पटरंगा गोंडा के रायपुर जगन्नाथपुर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास होगा। वहीं 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का भी भूमि पूजन होगा। ये रिंग रोड अयोध्या गोंडा बस्ती से गुजरेगी। नितिन गडकरी 2:30 बजे जीआईसी मैदान में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। माननीय नितिन गडकरी जी, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं भारत सरकार के, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वैसे तो पूरे देश का विकास हो रहा है, लेकिन अयोध्या को आध्यात्मिक नगरी के रूप में उसको विकसित करने की जो योजना है, उस दृष्टि से माननीय नितिन गडकरी जी ने अयोध्या, पहले रिंग रोड उसका नाम था, बाईपास उसका नाम दिया गया है, लगभग 65 किलोमीटर का यह बाईपास बनेगा, जो अयोध्या के बाहर बाहर से बाहर जाने वाले यात्रियों और को बगैर अयोध्या में प्रवेश के ले जा सकेगा, जिससे अयोध्या की ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके। यह परियोजना लगभग 65 करोड़ के आसपास की होगी। 6 जनवरी को माननीय नितिन गडकरी जी राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आएंगे और वहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। यूएफटी लाइव के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट।